मेरे हिसाब से जब कोई भी परफॉर्मर, कोई भी आर्टिस्ट स्टेज पर आता है, सबसे पहली बात है आपको फील करना है कि आप एक रूम में बंद हो. जब आप अकेले डांस करते हो तो आपको क्या फील होता है, वो फीलिंग रख के आपको डांस करनी है, बिकॉज योर परफॉर्मेंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज एड्स अप टू योर स्टेप्स. सो इट्स नॉट जस्ट कोरियोग्राफी, इट्स द एक्स फैक्टर दैट मैटर्स व्हेन यू आर ऑन स्टेज. सेकेंड बात ये है कि होश खो के ज़्यादा जोश में मत डांस करो. बहुत बार ये हो जाता है, एक्साइटमेंट में आप भूल जाते हो स्टेप्स, एक्साइटमेंट में आप पोजीशंस भूल जाते हो, तो आपकी रिहर्सल इतनी पक्की होनी चाहिए. तो सेकंड पे रिहर्सल डेफिनेटली इतनी पक्की होनी चाहिए कि आप होश और जोश दोनों से परफॉर्म करो. एंड थर्ड आई थिंक द पैशन फॉर डांसिंग, वो एक जो फीलिंग है ऑफ सिंसियरिटी, ऑफ डिटर्मिनेशन, आपके मन में थ्रू आउट होनी चाहिए. बहुत सारे डांसर्स स्टार्ट ऑफ करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये डांसर DID वट एवर, बट वो फीलिंग सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है, एग्जीक्यूट करने के लिए भी होती है. तो वो एक फीलिंग को बना के रखिए, अपना पैशन जो है उसको डेवलप करते जाइए. सो आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर. Hi guys, this is Sneha Kapoor. Keep watching India Forums and don't forget to subscribe to WhatsApp TV.